पश्चिम बंगाल में आज संपन्न हुए दो उपचुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी को बड़ी शिकस्त देते हुए दोनों सीटों पर बड़ी जीत हासिल कर ली है। आज आए चुनावी नतीजों के अनुसार आसनसोल संसदीय उपचुनाव में टीएमसी के बिहारी बाबू यानी शत्रुघ्न सिन्हा ने बीजेपी प्रत्याशी अग्निमित्रा पॉल से 3 लाख वोटों से बढ़त बनाते हुए जहां जीत हासिल की है, वहीं बालीगंज विधानसभा उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस के ही बाबुल सुप्रियो ने सीपीआईएम और बीजेपी दोनों ही उम्मीदवारों को पछाड़ते हुए जीत का परचम लहराया है। इस जीत को ऐतिहासिक बताते हुए तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने ट्वीट किया कि नफरत फैलाने वालों और उत्पीड़कों से मुक्त भारत की ओर एक कदम बढ़ाने के लिए आसनसोल और बालीगंज को धन्यवाद। जनता की भलाई हमेशा हमारी प्राथमिकता रही है। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी ट्वीट कर आसनसोल और बालीगंज के मतदाताओं का आभार जताया है। पश्चिम बंगाल की तरह देश के कुल 4 राज्यों में आज उपचुनाव हुए हैं, जिसमें बीजेपी सभी जगह पिछड़ती नजर आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।